सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर वन प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में मौजूद खल्के खुदा को ख़तरा लाहक हो चुका है। हज़ारों अमवात हो चुकी हैं, लाखों मरीज़ों की और हलाकतों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा भी होता जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की अगर बात करो तो हुकूमत पाकिस्तान ने इस वबा से निमटने के लिए कई इकदाम उठाए हैं। सूबों ने अपने तौर पर भी बहुत सारे फ़ैसले किए हैं, लेकिन क्या वो फ़ैसले काफ़ी हैं? और आवाम का किरदार, मैं हमेशा कहती हूँ, बड़ा अहमियत का हामिल है इस पूरी सिचुएशन में, लेकिन सॉरी टू से अब तक मायूसकुन दिखाई दे रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र हमारे जो मज़हबी फ़राइज़ से मुतालिक उलमाए कराम की उनकी भी एक राय है। इन तमाम मौजूदात पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मैंने दावत दी है मौजूद मेहमानों को। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। सलीम बुखारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मारूफ आलम दीन डॉक्टर अलामा रागिब नईमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अलामा रागिब नईमी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। नमाज बाजमात और जुमे के खुतबात, क्या अब मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए आपके मुताबिक, या फिर ये होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल से उन तमाम तिब्बी अमला, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन और सलाम अकीदत पेश करूंगा, जो इस कोरोना वायरस के तबाह खेजियों के अंदर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर उन मरीज़ों के लिए अपनी जान हथेली पर रखे हुए हैं जो अस्पतालों में मौजूद हैं। दूसरा, इस हलाकत अंगेज़ी के दौर में जिसे हम कोरोना दौर कह रहे हैं, हमें अल्लाह वाहदहु ला शरीक के हुजूर तौबा तन्नसुह करनी है, यानी मुकम्मल तौर पर सरेंडर करना है कि आइंदा हम किसी भी किस्म के गुनाह में अपने आप को नहीं पाएंगे। और तीसरी बात जो आपने की, जो असल सवाल है, देखिए नमाज़ें ख़ास तौर पर सलातुल जुमा ये शायरुल्ला में है, अल्लाह ताला की निशानियों में है। और कोई भी मुसलमान ज़ी शऊर और अगर वो आलिम हो, कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके मुंह या ज़बान से कोई ऐसे अल्फाज लिखे जाएं, कहे जाएं, जिनसे शायरुल्ला मौकूफ़ हो जाए। देखिए अल्लाह ताला की इस रूए ज़मीन को जैसे सजदागाह बना दिया गया है, कैसे कोई मुसलमान ये कह सकता है कि मस्जिद को बंद कर दिया जाए या जुमे की नमाज़ के लिए जामा मस्जिद को बंद कर दिया जाए। हाँ, हम तदबीर कर सकते हैं, हम तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं कि नमाज भी हो, भले से मुख्तसर वक्त के लिए हो, भले से मुख्तसर अदद के साथ नमाज हो, अजान भी हो, लेकिन आमतुल नास को हम इस अमर की तरगीब दिलाएं कि जिस तरह मुख्तलिफ अहादीस मुबारक में, जो कि सही मुस्लिम में इमाम अबू दाऊद ने और इमाम मोहम्मद ने अपनी कुतुब अहादीस में ज़िक्र की हैं, उनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो ऐसा आरज़ा लाहिक होने की बिना पे अगर कोई नमाज अदा ना कर पाए तो वो अपने घर को अपनी मस्जिद बना ले, अपने घर में अपनी नमाज अदा करे, और फिर इस तरीके से उन ख़ास हालात में, उन अयाम में जो चंद दिनों के हैं, इस तरीक़ेकार को इख्तियार कर लिया जाए, और उसके बाद फिर दोबारा उसी मुरवजा तरीक़ेकार को इख्तियार किया जाए जब ये कोरोना का दौर ख़त्म हो जाए। मैं अपनी बात को अगर मुख्तसर करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक की रोशनी में अगर हम नमाज जुमा को मुख्तसर करते हैं और नमाज जुमा की तादाद को, शुरका की तादाद को महदूद कर देते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जो हमारे फतावा हैं जिसके ऊपर आज भी बड़ी तफसील के साथ चारों पांचों गवर्नर हाउसेस में और ऐवाने सदर में और ऐवाने सदर कश्मीर में बात होती रही, उसका भी एंड रिज़ल्ट यही है कि हुकूमत को ही इनिशिएटिव लेना है कि उसने किस तरीके से लोगों के इज्तमा को, चाहे वो सियासी है, चाहे वो मुआशरती है, चाहे वो मज़हबी है, रोकना है। एक तरफ हम मसाजिद में पाबंदी लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो दूसरी तरफ आप लॉकडाउन को देखिए, आज भी कराची में, लाहौर में, हर बड़े सिटी के अंदर उसी ही तरीके से ज़िंदगी रवा दवा नज़र आ रही है। ट्रैफिक अपने मामूल के मुताबिक चल रही है, सिर्फ बसें नहीं हैं, छोटी ट्रैफिक,
रक्षे, मोटरसाइकिल्स, कारें वैसे ही रवा दवा हैं और हमारी आमद उन्नास चूँकि अक्सर कभी भी इस किस्म के हालात से नहीं गुजरी, इसलिए वो कभी भी इतराक नहीं कर पाएगी कि कितना ख़तरनाक अयाम आने वाले हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है, रिसलीम बुखारी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अलामा रागिब नईमी साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, उनके पॉइंट्स भी आपने सुने। उन्होंने कहा कि जी अगर हम मुख्तसर कर दें खुतबे को और शुरका की तादाद को कम कर दें, बींग अ मुस्लिम आप, मैं, डॉक्टर कैसर, हम सब यही चाहेंगे कि मस्जिद वीरान ना हो बल्कि खाना काबा अगर सुनसान हो, मतलब वो खबरें जब चलती हैं इस तरह की मसाजिद वीरान हो, तो यकीन जानिए बींग अ मुस्लिम ऐसे जज्बात होते हैं कि लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकते। बुखारी साहब, अल्लाह ताला का घर खाली हो, मतलब वहाँ पे लोग ना हो, अजीब सी कैफियत है, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मुझे बताइएगा, लेकिन अगर मुख्तसर भी कर देंगे, शुरका की तादाद कम भी हो जाएगी, उस कम तादाद में या उस मुख्तसर वक्त में भी कोई कोरोना का पेशेंट हो सकता है, कोई कैरियर हो सकता है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है इसलिए कि आलम दीन और माहरीन आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं अपनी नाकस राय के मुताबिक कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इन्हीं दीनी शार जो हैं और जो दीनी हमारे रहनुमा हैं इनकी वसातत से एक बात हम तक पहुँची कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब हालात नामसाहद होते थे, बारिश होती थी खौफनाक या बहुत किसी तूफ़ान आंधी किस्म की चीज़ें होती थी, तो अज़ान के अंदर एक जुमला शामिल कर दिया जाता था जिसमें ये नसीहत की जाती थी लोगों को कि वो अपने घरों में नमाज अदा करें और इस आफत से बचें। ये बात अगर मैं तस्लीम कर लूँ तो फिर गुंजाइश निकल आती है किसी किस्म के भी ऐसे इंतज़ाम करने की जो नामसाहद हालात हों, और ख़ास तौर से जो एक इज्तहाद का हमारे दीन के अंदर यानी ऑप्शन मौजूद है, उसमें ऐसे नामसाहद हालात जो उस वक्त पेश ना आए हों और आज पेश आ रहे हों, उसके मुताबिक दीनी रहनुमा इसके अहल हैं कि वो कोई भी नया रास्ता दरियाफ्त करके पूरी कौम को जो है वो लीड करें, उसको ये इल्म उन तक पहुंचाएं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इज्तहाद के कॉन्सेप्ट को हम आज भी तस्लीम करते हैं जो कि करना चाहिए, दीन का हिस्सा है, तो फिर कोरोना वायरस तब तो नहीं था, आज है, और उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का, कि फासले कायम करें। वो 6 फुट है कि 3 फुट है, इससे कोई गर्ज नहीं है। जमात जो होती है वो तो कांधे से कांधा मिला के होती है, वो तो बीच में फासले होते ही नहीं हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से इस ऑप्शन की तरफ सोचा गया कि अगर वक्ती तौर पर इसको ये रास्ता इख्तियार कर लिया जाए तो शायद लोगों की ज़िंदगी जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सकता है। आज देखिए सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से मक्का मदीना में जिस किस्म का सील, तो मैं नहीं कहूँगा, अल्लाह ना करे ऐसा कभी सूरत हाल हो कि इन अजीम हमारी जो इबादत की जगह है उनको सील किया जाए, लेकिन उन्होंने इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया है कि अगर वक्ती तौर पर इससे बचा जा सकता है तो ज़रूर बचा जाना चाहिए। लेकिन ये ना मकसद है कि हमारे मसाजिद और हमारी दीनी दरसगाहें या हमारी जो दीनी बहुत एहतराम की जगह हैं उनको सील किया जाए, ना कोई ऐसा सोच सकता है। मेरे ख्याल से वक्त की ज़रूरत के तहत, जैसा कि खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि ऐसे कानून बना लेने चाहिए, ऐसे रास्ते इख्तियार कर लेने चाहिए जिसमें इंसानी जान का तहफ्फुज़ जो है वो हो सके। ठीक है जी, मज़हब इतनी हमें मेरे ख्याल से छूट देता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब इस तरह की सिचुएशन हो और ऐसी वबा हो कि जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, तो उसके बाद फिर किस तरह की ऑप्शंस को हम देख सकते हैं। अच्छा जी, मैं डॉक्टर कैसर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। डॉक्टर कैसर साहब, एक चीज़ ज़रा समझा दें, बहुत से लोग, सईद गनी साहब का भी केस आपके सामने है कि जी कोरोना वायरस की तशखीस हुई लेकिन वो कहते हैं जी हमें सिम्टम्स शो नहीं हुए। अब बेशुमार लोग परेशान हो गए कि अगर सिम्टम्स शो नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा, या फिर वाकई कोई दिन ऐसा आता है लाइक 5th day, 6th day, 7th day जब सिम्टम्स शो हो जाते हैं किसी ना किसी तरह? हाँ जी, ये देखिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बात सारी ये है कि ये समझना होगा कि ये एक वायरस है और ये वायरस बहुत ही नया वायरस है। 3 से 4 महीने इसकी उम्र को हुए हैं जो डायग्नोस हुआ है, और अभी तक पूरी दुनिया ये परेशान है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। कंट्रोल किसको किया जाए, यानी कि मौत हो रही है,
پوری دنیا میں لوگ انتقال کر رہے ہیں، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں چاہے وہ ترقی پذیر ممالک ہوں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دن بدن اس میں کچھ نہ کچھ معلومات آتی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ یہ ایک ڈراپلیٹ انفیکشن ہے، کہ جب آپ چھینکتے ہیں اور جب کھانستے ہیں تو وہ جو ڈراپلیٹس نکلتا ہے وہ سامنے والے کو، انسان کو وہ انفیکٹ کرتا ہے۔ اس سے پہلے آیا کہ یہ صرف جانور میں ہوتا ہے اور جانور سے جانور میں ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن پھر چائنا میں یہ کنفرم ہوا جب وہاں ڈائگنوسس ہونی شروع ہوئی کہ یہ پھر چائنا میں، کہ یہ جانور سے انسان میں۔ اب پرابلم ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو سمٹم موجود نہیں ہے اور وہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا بڑا اچھا دوست بھائی بھی ہے، سعید غنی کو ہوا ہے، جس کو کوئی سمٹم نہیں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے، لیکن بعد میں وہ خود حیران ہیں کہ مجھے یہ ٹیسٹ پازیٹیو کیسے آ گیا، جبکہ ان کے ساتھ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا نگیٹو ہے۔ تو لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہمیں یہ ہے کہ آپ سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا؟ ایسے معاملے میں اکثر غلط فہمی ہوتی ہے کہ ٹیسٹ غلط نہ آ گیا اور رزلٹ غلط نہ آ گیا اور دوبارہ کروا لیا جائے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس میں ہم جس طرح ہمارا سسٹم ہے ہیلتھ کیئر کا، جو بڑا پوئر سسٹم ہے، اس میں اگر ہر آدمی جس کو پازیٹیو آیا ہے تو ہر آدمی کوشش کرے گا کہ جی مجھے ایک اور دفعہ کرا کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے میرا نگیٹیو آ جائے۔ تو جس طرح سے بچے جب ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں میڈیکل کالجز میں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی میرا تو بہت اچھا ہوا تھا، کاپی دوبارہ نکالی جائے، میرا دوبارہ ایگزام لیا جائے۔ اسی طرح سے لوگ کہیں گے کہ مجھے ٹیسٹ دوبارہ کرایا جائے، ہو سکتا ہے یہ نگیٹیو ہو اور پازیٹیو آ گیا ہے اور رپورٹ صحیح نہیں ہو۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی رپورٹ کو پہ اتفاق کیا جائے اور اسی کو بلیو کیا جائے، کیوں کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، اس کی چیزوں کو جو ایک سے دوسرے میں لگتا ہے اس کو روکنا ہے۔ اور جب سمٹم اور پازیٹیو سمٹم نہ بھی آئے، تو اگر پازیٹیو بھی آ جاتا ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں بلکہ دنیا میں بہت سے لوگوں کو کرونا ہوا اور وہ چلا بھی گیا، ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ ان کے جسم میں کرونا کا وائرس آیا اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں کو سمٹم بھی آتا ہے تو بھی سوری میں کاٹ رہی ہوں، پھر میں علامہ صاحب کی طرف جاؤں گی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کھائی کچھ ریسٹ کیا ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جب وائرس نے اٹیک کیا تو کتنے دن تک وہ وائرس آپ کی باڈی میں رہتا ہے، ذرا ایگزیکٹ بتا دیجیے گا، بہت سے لوگ ابھی تک کنفیوز ہیں۔ سمٹم آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں۔ فائزہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر کیسر، آپ سے اگر سمٹم آتا ہے یا نہیں آتا، دونوں کیسز میں مجھ سے پوچھ رہی ہیں سوال، وائرس باڈی میں کتنی دیر رہتا ہے ہوسٹ کی باڈی میں؟ جی ڈاکٹر کیسر، آپ سے۔ جی ہاں، دیکھیے، ہاں جی ہاں جی ہاں، میں بتا رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے، دو سے جب کوئی آدمی انفیکٹ ہوتا ہے تو اس کے سمٹمز آنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ 2 سے 14 دن تک کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر اس کو 14 دن تک کوئی علامات نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فری ہے اور کرونا فری بندہ ہے، اور اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ نگیٹیو آ جاتا ہے۔ لیکن جب اگر پازیٹیو آ جاتا ہے تو ہم مزید اس کو 14 دن رکھتے ہیں، اگر سمٹم نہیں بھی ہے تو بھی اس کو مزید 14 دن رکھا جاتا ہے اور اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، اور اس کی جو سمٹمس کا ویٹ کیا جاتا ہے کہ شاید سمٹم ہو، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور جو نگیٹیو آتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کا صرف اور صرف ذہن میں لانا ہے کہ اگر کرونا کا وائرس پازیٹیو آ گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم خود سمجھ لیں کہ اگر کسی کو سمٹم تھوڑے بہت بھی ڈیولپ ہو گئے، اگر اس کو جسم گرا گرا لگ رہا ہے، وہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اور سانس میں کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لے۔ اگر اس کو صرف نزلہ زکام بھی ہے آج کل اور ہلکا سا کھانسی بخار بھی ہے، تو بھی وہ صرف اب اس کے لیے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لے، یعنی اپنے آپ کو گھر پہ ہی آئسولیٹ کر لے، اور ایک آدمی اس کو کھانا، گلوز پہن کے کھانا یا جو بھی چیزیں اس کی ضرورت کی وہ دے دے، اور وہ اس کمرے میں ہی رہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر جو گورنمنٹ کے جو نمبرز ہیں اس پہ اطلاع دیں، تاکہ وہ ان کو کوارنٹائن کر لیں، سرکار ان کو
ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप अपने घर में ही आइसोलेट हो जाएं, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये करना है कि आपको घर पर रहना है, जैसे कि सरकार कह रही है। बॉटम लाइन यही है कि इस मर्ज़ से बचने के लिए और आगे बहुत सारी तकालीफ से बचने के लिए आपको घर पर रहना है। अगर आपने वायरस को लेना है, वायरस अपने अंदर डालना है, जिसम में डालना है, तो फिर आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और कोरोना के वायरस को घर लाना पड़ेगा। लिहाजा घर बैठिए। ठीक है जी, ठीक है। अलामा साहब, आपकी तरफ आती हूँ। सिंध हुकूमत के हवाले से एक फैसला सिंध हुकूमत ने किया है कि जी मस्जिद खुली रहेंगी लेकिन नमाजियों की तादाद 3 से 5 होगी। मस्जिद खुली रहेंगी अलामा साहब, लेकिन कह रहे हैं कि जो नमाजी हैं उनकी तादाद 3 से 5 होगी, इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कल गवर्नर हाउस में कराची में उलमाए कराम की एक इकट्ठ हुआ और उसमें एक अलामिया तैयार किया गया, और उस अलामिया की एक शिक ये भी थी कि अगर हुकूमत अपनी तरफ से जुमे के इज्तमात पे पाबंदी लगाती है तो फिर जो वहाँ पे मुकामी इंतज़ामिया मस्जिद की है वो लाजमी तौर पे अजान के बाद नमाज जुमा को अदा करे। और उमूमी तौर पे 4-5 अफराद हर मस्जिद में होते हैं जिनमें मस्जिद का इमाम है, ख़तीब है, मुअज़्ज़िन है, ख़ादिम है या कोई और वर्कर। और इस अलामिये में इस शिक की बुनियाद भी यही रखी गई थी कि ऐसे हालात आगे चल के पेश आ सकते हैं जिसमें हकूमत को ही ये फैसला करना पड़ेगा कि उसने लोगों के इकट्ठ को और इजतमा को किस तरीके से रोकना है। और जाहिर बात है रियासत इस अमर का इख्तियार रखती है कि वो जब चाहे किसी भी किस्म या किसी भी तरह के इजतमा पे पाबंदी लगा दे। अब जुमे का मसला था, इंतहाई अहम मसला था, इसी ही लिए उलमा की इसके ऊपर राय ली गई, उलमा ने इसके ऊपर राय दी और फिर वो उसी राय की बुनियाद के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगाई है। हम पंजाब में हैं और पंजाब में लोगों को पहले ही से इस अमर की तलकीन कर रहे हैं कि इस वक्त में बेहतर ये है, तरगीब दे रहे हैं लोगों को कि जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास या हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का फ़ैसला था कि सख्त सर्दी और सख्त बारिश और कीचड़ के वक्त में इवन जुमे की नमाज़ भी उन्होंने ये कहा कि अपने घरों में अदा करो। बेशक वो जन नहीं था, वो हकीकत हाल थी, लेकिन यहाँ पे तो सूरत हाल इतनी बिगड़ती चली जा रही है कि आज 25वें दिन 1100 के करीब, 1100 से जायद पॉजिटिव पेशेंट हमारे सामने आ गए हैं जो कि चेक्ड हैं, लेकिन बेशुमार अभी भी ऐसे पॉजिटिव पेशेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी चेक ही नहीं करवाई और वो मुआशरे में फिर रहे हैं एंड नोबडी नोज देम। तो मैं ये समझता हूँ कि इस इन हालात में जो कि इस्तरारी हालात हैं, इन हालात को इस्तरारी हालात कहने में मुझे किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। इन इस्तरारी हालात में, और शरीयत ख़ुद भी कहती है कि इस्तरारी हालात के अंदर चीज़ों की कैफियत और चीज़ों के अहकामात में तब्दीली आ जाती है, चूँकि नमाज जुमा अल्लाह वादहु ला शरीक के शायर में से है। कुरान करीम में वाज तौर पर जुमे के हवाले से एक सूरह मुबारक का सूरह जुमा भी जिक्र की गई, जुमे का जिसमें हुक्म आया है। इसलिए अजान आप होने लें दें, अजान ठीक है जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा है, अजान भी हो, अजान के बाद वहाँ पे कम से कम 3 अफराद चाहिए हैं जुमे की नमाज़ की अदायगी के लिए। वो 2 से 3-4 मिनट में अपना अरबी का खुतबा आप मुकम्मल कर लें और 3 अफराद के साथ जुमे की अजान होने से तो जुमे की फर्जियत हो जाएगी और जो आमतुन्नास हैं उन्हें इस अमर के साथ तरगीब भी दिलाई जाए कि वो अपने घरों में मौजूद रहें। और चूंकि जुमे की नमाज़ वो शामिल नहीं हो पाए इसलिए वो जुमे की नमाज़ की बजाय घरों में जोहर की नमाज़ अदा करें। ये सिर्फ़ इस्तरारी हालात के लिए हुक्म है, जब ये इस्तरारी हालात ख़त्म हो जाएंगे ये हुक्म भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सलीम बुखारी साहब आपकी तरफ आऊँगी। लॉकडाउन के जो नतज हैं आपको क्या नज़र आ रहे हैं, मस्बत नज़र आ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि खातिर ख्वा इसमें फ़ायदा नज़र नहीं आएगा? दूसरी बात ये कि अवाम के लिए कहा जा रहा है ना कि जी आप लोग अपने घरों में रहें, लेकिन अवाम को अगर अपनी ही फ़िक्र ना हो तो फिर हुकूमत कितनी बार कहेगी कि आप अपने घरों में रहें और वो भी अपने लिए?
پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر فائزہ کہ لاک ڈاؤن کے نتائج مثبت ہو ہی نہیں سکتے جس ملک کی حکومت اور اس کی صوبائی اکائیاں جو ہیں وہ آپس میں تقسیم ہوں، ایک پیج پر نہ ہوں، پرائم منسٹر لاک ڈاؤن کے اگینسٹ واز دے رہے ہوں، تقریریں کر رہے ہوں، جسٹیفیکیشنیں دے رہے ہوں، صوبے امپلیمنٹ کر رہے ہوں، فوج ایک طرف کھڑی ہوئی صوبوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو۔ آپ مجھے بتائیے کیسے 100% نتائج کی آپ، میں تو کہتا ہوں 10% کی نتائج کی بھی آپ توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں آپ دیکھیے جہاں جہاں افیکٹولی اس کے اوپر قابو پایا گیا ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم سے 4 گنا بڑی آبادی ہے اس کی، 5 گنا، اس کے باوجود وہاں دیکھیے چیزیں کنٹرول میں، اس لیے کہ جب وہاں کی حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تو لاک ڈاؤن ان ریئل سینس آف دا ورڈ ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، جب تک ایک یونیفائیڈ ڈیسیشن نہیں لیا جائے گا، پرائم منسٹر اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 صوبوں میں حکومتیں مختلف ہیں، تو مجھے بتائیے کیسے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی؟ جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، ڈاکٹر کیسر نے بھی کہا، اس کے لیے آپ کو ایک پیج پر ہونا ہے۔ معاشرہ جب تک کسی آفت کے لیے ایک رنگ میں ایک ساتھ متحد ہو کے رسپونڈ نہیں کرے گا تو آپ نتائج کیسے اخذ کر سکتے ہیں؟ ایک تو میرا یہ بہت بڑا اعتراض ہے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر کہ وہ کل جس طرح سے اٹھ کے ویڈیو کانفرنس سے چلے گئے، وہ سمجھتے ہیں وہ عقل کل ہیں، جو انہوں نے فرما دیا اس کے بعد کسی کی بات سننے کی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، سوسائٹیز ایسے نہیں چلتی ہیں۔ آپ پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، آج جس آفت سے وہ دوچار ہے، وہاں فیصلے باہم مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ مشاورت کے بغیر ہونے والے فیصلے جو ہیں وہ ڈکٹیٹوریل ہوتے ہیں۔ وہ تاریخ میں ان فیصلوں کی نہ کبھی کوئی اہمیت ہوئی ہے، نہ کبھی اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نکلے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک ذمہ داری خود عوام الناس کے اوپر بھی ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ چاہے دفاتر میں ہو، چاہے اسکولوں کالجوں میں ہو، چاہے گھروں پر ہو، اس سے نتیجہ پازیٹیو ہو سکتا ہے، پازیٹیو سے مراد یہ کہ اس سے خاطر خواہ نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں، تو میرے خیال سے ہمیں خود بھی اپنے اوپر ایک پابندی عائد کرنی چاہیے، کیونکہ حکومت فیصلے کر سکتی ہے، حکومت اس کے لیے فوج کو، رینجرز کو، پولیس کو ڈپلائے کر سکتی ہے، لیکن جب تک معاشرہ خود ایجوکیٹ ہو کے اس قسم کی آفت سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا، میرے خیال سے اسے صرف لا انفورسز کے اوپر چھوڑ دینے سے وہ نتائج کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں جو سب سے افیکٹو میڈیم ہے وہ ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ہمیں صحیح گائیڈ کریں، وہ عوام کو اس کی جو نقصانات ہیں وہ بھی بتائیں، اس سے کس طرح نبٹنا ہے۔ دین میں بے پناہ مثالیں موجود ہیں جہاں اس قسم کی آفات کا سامنا کیا گیا، ہماری تاریخ میں جو پچھلے 2000 سال کی تاریخ ہے اس میں دیکھ لیجیے، بے پناہ، چاہے وہ پلیگ تھی، چاہے وہ انفلوئنزا تھا، چاہے وہ ڈینگی تھی، جو کچھ بھی تھا، اس سے نبٹنے کے لیے قوم اور حکومت وقت جو ہے، اور جو ہمارے دینی شاعر، ہمارے جو دینی علماء ہیں، ان کو ایک پیج پر ہونا ہے۔ اگر وہ ایک پیج پر ہو جائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں دین کی بات نہ مانی جائے، جہاں سوسائٹی کی سوشل نارمز کو رسپیکٹ نہ کیا جائے، یا جہاں پر حاکم وقت کا جو حکم ہے اس کو ماننے کے لیے بنیادی طور پہ کوئی بغاوت ہو۔ جب ایسی صورتحال موجود ہے تو یہ تینوں سیگمنٹ سوسائٹی کے جو ہیں ڈاکٹر فضا، ان کے اوپر گریٹر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عوام الناس کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں۔ چلیں جی، ہم بھی سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے لیک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیضہ اکبر خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیسر صاحب، سلیم بخاری صاحب اور ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب۔ آپ تینوں کا دوبارہ بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی، اس کے بعد پھر ڈاکٹر کیسر آپ کی طرف، سلیم بخاری صاحب آپ بریک سے پہلے کامنٹ دے رہے، پھر آپ کی طرف آؤں گی۔ علامہ صاحب، بس بیماری سے بچاؤ کے لیے، احتیاط کے لیے اگر ہم بات کریں، مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب ظاہری بات ہے احتیاط کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتا ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ آپ کو زندگی سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کے بارے میں گائیڈنس چاہیے تو اسلام میں وہ گائیڈنس
आपको मिल जाएगी। अच्छा, मुझे पैनल ने बताया कि अलामा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, तो उनको दोबारा लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं। आपकी तरफ आ जाती हूँ मैं डॉक्टर कैसर साहब। अच्छा, ये भी ज़रा बता दीजिएगा कैसर साहब कि बड़े लोगों में ना एंजाइटी हो रही है, आप अग्री करेंगे, आप डॉक्टर हैं, आपकी प्रैक्टिस चलती है। मैं अपना ही अगर वाकया सुना दूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैंने एक एंटी एलर्जिक ली तो मुझे सूट नहीं की और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई और मैं इतनी परेशान हो गई कि मुझे लगा कि शायद मुझे कोरोना का टेस्ट ना करवाना पड़े। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरे से तमाम सिम्टम्स पूछे, बुखार नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आपको सीवियर एंजाइटी हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे एंजाइटी हो जाती है। फिर उन्होंने मुझे ऐसी मेडिसिन दी कि मेरी एंजाइटी थोड़ी कंट्रोल में आ गई। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, लोग इतने ज़्यादा एंजाइटी में आ रहे हैं, इतने पैनिक में आ रहे हैं कि छींक मारते तो लगता है कोरोना है, जुकाम होता तो लगता है कोरोना है, और आपको पता है कि खौफ बहुत बड़ी चीज़ है, बीमारी से भी बड़ी चीज़ है। कैसे फेस करें लोग इस एंजाइटी को और खौफ को? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है आपने फिज़ा, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं आपके तवस्सुस से तमाम लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ कि हर छींक हर खांसी कोरोना नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि हमारे, मुझे भी बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, बहुत सारे मेरे मरीज़ आते हैं कि डॉक्टर साहब कोई टेस्ट ना करा लें, कहाँ टेस्ट होता है। तो ये एक बड़ा इशू है। और एक मैं तमाम आप लोगों को बता दूं कि जो लोग, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो बीमारी है वायरस, ये उसी पे अटैक करता है जिनकी कुव्वत मदाफ़ियत कम होती है। लिहाजा जो कुव्वत मदाफ़ियत कम होने में, जहां मैंने कहा है कि नींद की कमी, खाना प्रॉपर नहीं है, पानी कम पीते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वहाँ कुव्वत मदाफ़ियत कम होती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है टेंशन, वरीज़, परेशानी, सोच, फिक्र। जो लोग इस तरह की चीज़ों में रहते हैं उनकी कुव्वत मदाफ़ियत कम हो जाती है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं, जो अननेसेसरीली परेशान हो रहे हैं, उनको चाहिए कि खुदारा इस चीज़ों को ना सोचें, अपने दिमाग को कोरोना की तरफ ना ले जाएं, आप सोचें कुछ और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आजकल जो है इन्फ्लुएंज़ा वायरस भी बहुत कॉमन है, उसमें भी जिस्म गिरा गिरा लगता है, हल्का बुखार भी होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता आपको कोरोना हो गया है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। और इसके बरक्स मैंने, जैसे कि अभी आप तमाम लोग बात कर रहे हैं, सलीम साहब भी कह रहे थे अभी, सलीम बुखारी साहब, कि लोग जो है एक तरफ जो है वो हुकूमत की बात मानने को तैयार नहीं है, रोडों पे हैं, अपनी मर्ज़ी से अगर छुट्टी हो गई है तो बच्चे क्रिकेट गलियों में खेल रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपके तवस्सु से निशानदेही करना चाहता हूं कि बहुत से लोग बहुत अच्छा मदद करना चाहते हैं लोगों की, और मैं देख रहा हूं कि लोग किसी जगह पे खाना खिला रहे हैं, लेकिन जहाँ खाना खिला रहे हैं वहाँ बेतहाशा लोगों का हुजूम है, कुछ लोगों ने क्यू में है, लाइन बनाई हुई है, लेकिन एक अच्छा खासा रश है वहाँ पे। इसको भी डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। हमें मकसद सिर्फ हमारा ये है, जो हुकूमत कर रही है वो यकीनन यही चाहती है कि इस बीमारी के फैलाव को रोकना है, ये बॉटम लाइन है। और इसमें कोई रिसर्च शामिल नहीं है कि जी ऐसा ही करना है। ये हमने चाइना से लिया है कि चाइना ने वुहान सिटी को लॉकडाउन कर दिया था, बिल्कुल सडन लॉकडाउन किया था, सब चीज़ें बंद हो गई थी, सब पूरी चीज़ें वहाँ कुछ नहीं, कुछ इक्का दुक्का, कुछ गली कूचे में कुछ दुकानें खुली थी तो लोग कर रहे थे काम, लेकिन एब्सोल्युटली लॉकडाउन था। तो हमें ये चाहिए कि आवाम को अपनी सेहत के लिए, अपनी जान के लिए, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को की हिफाजत करें, अपने घर की हिफाजत करें, अपने घर के लोगों की हिफाजत करें, अपने आप को लॉकडाउन करें अपनी फैमिली के साथ। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है जो लोग 50-60 साल से ज़्यादा की उम्र रखते हैं, और वो लोग जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हैं, दवाइयाँ खाते हैं, चाहे वो जिगर की बीमारी हो, चाहे वो गुर्दे की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, ख़ासकर जो सांस की बीमारियाँ हैं, या वो लोग जो कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं, बिजली लग रही है, वो तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। मैं अभी भी, आज भी जो मैं रोड पर जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा, मैं और लोगों की बनिस्बत देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो हमारी रोड पे जो फोर्स है, जो रेंजर्स हैं, उनको मैंने देखा है बहुत तमीज़ के साथ लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप खामखा ना निकलें, लेकिन लोग जो हैं वो निकल रहे हैं। और मैंने देखा है कुछ लोगों को कि वो बाइक के ऊपर बुज़ुर्ग हजरात को ले कर जा रहे हैं, बुज़ुर्ग हजरात ख़ुद भी बाइक चला रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त
ये सब बातें लोग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इन बातों पे अमल करें, ऐसा ना करें। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं सलीम बुखारी साहब से बिल्कुल टोटली एग्री करूँगा कि देखें, जितने भी उलमा हैं हमारे यहाँ, बहुत काबिल उलमा हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इसमें ये एक टेबल पे ये बैठे, अब तक कोई मैंने देखा नहीं है कि तमाम मकातिफ़ फ़िक्र के जो उलमा हैं वो एक जगह पे बैठे हों, उन्होंने एक बात कर ली आके, ताकि उनकी जो फॉलोअर्स हैं वो फिर उनकी बात मानते हैं। इसी तरह जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो खुदारा एक जगह बैठे, वज़ीर आज़म साहब उसको लीड करें। मैंने पहले भी आपके चैनल से बोल चुका हूँ कि वज़ीर आज़म साहब लीड करें, रोज़ाना रात को 9 बजे आकर रोज़ाना के हालात बताएं लोगों को, लोग उनकी बात सुनेंगे, उन पर एतबाद करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लॉकडाउन की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी और इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म साहब सबको एक जगह बैठें, सबको बुलाएं, अपने पास बुलाएं और उनसे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं और वही एक स्टेटमेंट दें जो एक पॉलिसी बनेगी, तो लोग उसको मानेंगे और वज़ीर आज़म साहब इसको लीड करें, वही सारी चीज़ों को बताएं आवाम के सामने आके, रोज़ाना एक टाइम फिक्स कर लें, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट निकलेगा। और हमें उम्मीद है कि ये जो फैलाव है हमारा रोज़ाना, अभी 1028 के करीब, 1128 के करीब अभी एक जो फिगर है, इसमें यकीनन कुछ कमी आ जाएगी और अल्लाह का शुक्र है कि डेथ हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है। जो 8 डेथ हुई है वो भी अभी अफसोसनाक बात है, लेकिन इसको भी नहीं होना चाहिए अगर हम आवाम। और देखिए, हुकूमत तो करेगी और कर रही है और शायद आगे भी हम उनको बोलते रहेंगे करने के लिए, लेकिन उन सब से इन हुकूमत से ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो हम आवाम की है। अगर हम आवाम ने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया तो हमें नुकसान होगा। लिहाजा हुकूमत या पुलिस या रेंजर्स या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ये हर आदमी को पकड़ के घर पे नहीं बैठाएगी। खुदारा हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, खुदारा इस नाजुक वक्त को समझें और लॉकडाउन हो, अपने आप को घर पे रखें। और घर के बाहर मैंने आज एक व्हाट्सएप पे देखा कि घर के बाहर कुछ लोगों ने लिख दिया है कि दरवाज़ा ना खटखटाएं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, हम घर पर रहेंगे, दरवाजे से बाहर नहीं जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान अपने दरवाजे पर ये जुमला लिखवा दे। ठीक है सलीम बुखारी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सलीम बुखारी साहब, मैं जब आ रही थी ऑफिस की तरफ तो मुझे वैसे काफ़ी लोग घरों में नज़र आए, मुझे लगा कि घरों में मौजूद हैं क्योंकि सड़कों पे रश बहुत ज़्यादा कम था, तो हम कह सकते हैं कि बहुत से लोगों ने अब अमल करना शुरू कर दिया अपनी सेहत के लिए। लेकिन यकीन जानिए, जो मेरी अपनी कैफियत है कि अजीब सी वहशत का समा था, क्योंकि हमें ट्रैफिक देखने की आदत है, लाहौर एक बड़ा शहर है, हम बड़ी गाड़ियाँ देखते हुए, लाइटें देखते हुए आते हैं, फिर जब ऑफिस में आते हैं तो हर कोई दूसरे से डर रहा है, मास्क पहना हुआ, कोई इस कॉर्नर में, कोई उस कॉर्नर में, अजीबोगरीब सी कैफियत तो है। लेकिन हम सबको मिलकर इस मुश्किल टाइम को गुजारना है। अब इस मुश्किल वक्त में आप बताएं कि हमारी इकोनॉमी वो कितना सफर करेगी, हम कितने दिन का लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकते हैं। हम तो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग कंट्री में आते हैं, वो ममालिक जो कि इतने ज्यादा सेटल्ड हैं, वो लोग भी, उन्होंने भी घुटने टेक दिए हैं इस मरज के सामने, इस वबा के सामने। आप पाकिस्तान को कहां देखते हैं अगर हमें 14 दिन के बाद मजीद लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा तो? देखिए रखफिजा, आई डोंट नो आपके पास टाइम है या नहीं है, लेकिन छोटी सी मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो लंदन में है उसके ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक आदमी जो है वो खून में लथपथ सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है, चारों तरफ लोग खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं उसको, कोई उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। अचानक एक पादरी जो है वो दाखिल होता है उस मजमे के अंदर और जाके उसका सर उठा के जानू पर रख के अपने रुमाल से उसकी आँखें वाँखें साफ़ करता है, चेहरा करता है और उससे पूछता है डू यू बिलीव इन गॉड। और वो जो शख्स है जो खून में लथपथ है वो कहता है निकाहत की आवाज़ में, फादर आई एम डाइंग एंड यू आर आस्किंग रिडल्स। तो ये जो है ना कि इकॉनमी का क्या बनेगा, अरे बाबा बचेंगे तो इकॉनमी देखेंगे ना, यहाँ अमवात की कमी होगी, हम सेहतमंद मुआशरा रहेंगे तो इकॉनमी देखेंगे। मेरे ख्याल से ये इकॉनमी से डरा के लोगों को कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। इकॉनमियाँ इकॉनमियाँ देखी जाती हैं, पहले तो आपको इस मर्ज से निपटना है, इस अजाब अलाही से निपटना है, तौबा करनी बहुत है, अच्छी अपने बात, आपको डिसिप्लिन करना है, अपने डिस्टेंस लेके जाना है। तो आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे, हम इससे निपट पाएंगे तो वो इकॉनमी सब ठीक हो जाएगी। मैं आपको एक मिसाल और देता चलूँ तारीखी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बरतानिया था उसको तो जर्मन की बम्बारी ने बिल्कुल उसको रेज टू ग्राउंड की सूरत हाल थी। तो विंस्टन चर्चिल ने पहली कैबिनेट मीटिंग में अपने वजीर अदल से पूछा
कि इज़ द जुडिशल सिस्टम वर्किंग इन दिस कंट्री, ही सेड जी इट्स वर्किंग, ही सेड वी विल मेक अप बर्तानिया अगेन, ब्रिटेन अगेन, ओनली इन लेस देन 10 ईयर्स, एंड इट हैपेंड. तो जब हम इससे निपट लेंगे तो हर चीज़ देखी जाएगी. यही फोकस होना चाहिए हमारी हुकूमत का, यही फोकस होना चाहिए हमारे उलमा का, यही फोकस होना चाहिए हमारी सोसाइटी के हर सेगमेंट के लीडर का कि इस वक्त क्या किया जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप दीन में भी जाएँ तो खुदा की तरफ से भी ये इजाज़त नहीं, हुक्म है कि आप अपनी जान बचाने के लिए, मैं बेपनाह मसाले दे सकता हूँ कुरान करीम से भी इसकी, मैं तो बहुत ही नायल गुनाहगार आदमी हूँ, ये आन में दीन का काम है, लेकिन ये गुंजाइश मौजूद है हमारे दीन में, कुरान में आयात मौजूद है कि आपके लिए आपकी जान का तहफ्फुज़ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है. गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे. मुझे इमीडिएट ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा. मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान. कोरोना वायरस के हवाले से बात हो रही है. तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. तीनों का दोबारा से वार्म वेलकम. सलीम बुखारी साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा था. जी मैं सिर्फ ये बस थोड़ी सी बात बाकी थी वो मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ. गुजारिश ये है कि मैंने जैसा कहा कि हमारे यहाँ जो तकसीम है, जो माशरे की तकसीम है, चाहे वो सियासी है चाहे वो दीनी है, ये वो वक्त है जब इस सब कुछ को एक तरफ रखना होगा. अगर बच गए तो बहुत टाइम है इनके साथ निपटने के लिए. प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना रवैया दुरुस्त करना पड़ेगा, इसलिए कि अपोजिशन जो उनसे कम वोट नहीं है, उनके भी 2 करोड़ से ज़्यादा वोट हैं, तो खुदा के लिए उनको साथ लेके चलिए. मुआशरा अगर आधा आधा 50% तकसीम हो जाएगा तो आप क्या सिर्फ इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बनीगाला के प्राइम मिनिस्टर हैं कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं? अगर आप पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हम सब मानते हैं कि आप हैं, तो बन के दिखाइए. इसके लिए यू हैव टू प्रूव, वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग. आप पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनिए, सबको अपने साथ लेके चलिए. सिंध की तारीफ की जा रही है WHO की तरफ से, दूसरे इदारों की तरफ से, कि वहाँ उन्होंने बाकी जो हिस्से हैं मुल्क के उससे पहले एंटिसिपेट करके बेहतर इकदाम किए हैं. डॉक्टर कैसर आपके साथ मौजूद हैं, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे कि अगर आप ताखीर करेंगे, जिस तरह कहते ना कि जस्टिस, यही हाल है. जी जी, यही हाल है एक्शन का भी, कि एक्शन डिलेड इट, नो एक्शन, इट्स ए क्राइम. तो हम क्राइम ना करें इस मुआशरे के साथ जिसने आपको इस मकाम पर पहुंचाया है. ये लोगों की ही ताकत से आप वहां पहुंचे हैं, वरना 22 साल से तो आप नाक रगड़ रहे थे ना अपनी. अब इस अवाम का, यू ओ इट टू द नेशन, आप अवाम के कर्जदार हैं, आपने ये कर्ज लौटाना है. इनका ख्याल कीजिए, अपनी पूरी मशीनरी को इस पर डिप्लॉय कीजिए. जितनी भी फोर्सेस हैं इस मुल्क में, चाहे वो अपोजिशन की है, चाहे वो दीनी मदारस की हैं, चाहे वो उलमा की हैं, उन सबको यकजा कीजिए. वो आपकी इतनी स्ट्रांग टीम है कि आप दुनिया का कोई भी मिशन मुकम्मल कर सकते हैं, आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं. कोरोना की जंग तो बहुत मामूली जंग है, आप सिर्फ एक दफ़ा इत्तेहाद का मुजाहरा तो कीजिए, आप लीड करने के लिए उस राह पर चलिए तो सही. वो कहते हैं ना कि वो जिस तरह गुजरता जाएगा वक्त, कारवां बनता जाएगा, और ये एक मुकम्मल फोर्स बन के इस आफत से कौम को निजात दिला सकती है. बिल्कुल. अच्छा जी डॉक्टर कैसर साहब, आपसे एक और सवाल मैं जानना चाहूँगी, जो कि बहुत से लोग पूछते हैं और एक दूसरे से पूछते नजर आते हैं और आपसे भी पूछते होंगे, कि गले में बहुत से लोगों को जो दर्द होता है तो लोग समझते थे गले में दर्द है, ये भी कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है. अब आपने भी कहा कि वो आम वायरल भी फैला हुआ है, गले में दर्द हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है. ज़रा ये समझा दें कि जब गले में दर्द होगा तो कैसे पता चलेगा बैक्टीरियल वायरल डिफरेंस क्या होगा, और साथ ही ये बता दीजिएगा कि खुदा ना ख्वास्ता किसी के सिम्टम्स नहीं आते लेकिन अचानक उसके सिम्टम्स एंड सिम्टम्स की तरफ चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स, उससे पहले कोई इंडिकेशन कि क्या बुखार बहुत तेज हो जाएगा तो पता चल जाए कि जी अब एंड सिम्टम की तरफ जाने लगा है सिलसिला. जी ऐसा होता नहीं है कि गले की, मैं ओवरऑल लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, लोगों को खामखा एक जो लोग डर रहे हैं वो ऐसा डरते हैं कि हर बात में कि जी ये कोरोना हो गया है. मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, किसी को गले में दर्द है, किसी को बुखार है. इस वक्त जैसे कराची शहर की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त कमोबेश टाइफाइड का फीवर भी है, इस वक्त
गले की खराश का फीवर भी होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस का फीवर भी है, बैक्टीरियल का जो की वजह से गला और साइनोसाइटिस हो जाता है उसका भी उसकी वजह भी फीवर जो है उसकी वजह से मसले मसाइल होते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक जो आपका सवाल है बॉटम लाइन है वो मैं बता देता हूँ कि देखिए जब ये वायरस है ये आँख नाक और गले के ज़रिए आपके जिस्म में दाखिल होता है। ये समझने की बात है कि आपके हाथ में लगा और आपने हाथ नहीं धोया या सैनिटाइज नहीं किया तो आपने आँख रगड़ लिया या नाक के अंदर खुजा लिया या नाक में उंगली चली गई या मुंह के अंदर उंगली चली गई खाते हुए चला गया तो वो वायरस आपके नाक के पीछे जो हलक है हलक में ये जाके स्टिक चिपक जाता है वहाँ पर भी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे सिम्टम्स डेवलप होती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ नाक के पीछे खराश हो रही है हल्का सा गले में हुआ फिर वो और नीचे आता है फिर आपको हल्की सी खांसी शुरू होती है फिर और नीचे आता है नरखरे पे तो आवाज़ हल्की सी बैठ जाती है। इस दौरान बुखार शुरू हो सकता है हल्का बुखार हो तेज़ बुखार हो जिस्म में दर्द होगा फिर लेकिन जब आपको सांस में रुकावट शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि बात थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2-3-4 दिन आप एहतियात करें आपको हल्का सा बुखार या गले की खराश होगी कोई परेशानी की बात नहीं है। यानी डॉक्टर साहब बात यहाँ पे खत्म होती है कि जब सांस में रुकावट तक मामला पहुंचता है तो उससे पहले बुखार जरूरी है यानी बुखार जरूरी है। नहीं कोई ज़रूरी नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है कि बुखार हो आपको लेकिन आपको नज़ला ज़ुकाम हो या खाली खांसी है सिर्फ ड्राई कफ अगर भी है तो भी ये उसकी अलामत हो सकती है और अलामत नहीं भी हो सकती है। लिहाजा इस हालत में आपने घर पे रहना है अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है बूस्ट करना है लेकिन जब आपको लगे कि सांस में तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है तो आपको उस वक्त जो सरकार के नंबर्स हैं सिंध गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट के उस पर रब्ता करें या करीबी अपने किसी डॉक्टर से क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें वो आपको ज़रूर इसका हल बताएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। खाम खा परेशान होकर अपनी इम्यूनिटी अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को नीचे ना लाएं। एक बात दूसरी बात आपसे मैं करता चलूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन तमाम डॉक्टरों को पैरामेडिकल स्टाफ को सलूट करता हूँ कि जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं आगे आके तमाम जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं लेकिन जो अभी जो एक दरख्वास्त करनी है सरकार से वो हुकूमत कर रही है कोशिश अपनी लेकिन इसके लिए बहुत जल्दी करनी पड़ेगी कि जो PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो कि अभी जो अगर खुदा ना खास्ता मरीज़ों में इजाफा होता है तो वो बहुत सख्त हमें ज़रूरत है ताकि डॉक्टर हजरात वो पहन के अपनी हिफाजत करें और कोरोना में जो सफ़र कर रहे हैं मरीज़ जो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हैं उनका इलाज कर सकें। अभी मैं आपको बताता चलूं कि जो सिंध गवर्नमेंट ने एक शुरू से दिन से बहुत अच्छा काम कर रही है उनके तमाम लोग बहुत अच्छा दिन रात काम कर रहे हैं मुराद अली की शायद पूरी टीम उनके हेल्थ मिनिस्टर साहिबा मुर्तज़ा वहाब है नासिर शाह है और सईद गनी है सब लोग बहुत सॉरी डॉक्टर साहब मेरे पास टाइम कम है डॉक्टर राघव का मुझे लास्ट कमेंट चाहिए। डॉक्टर साहब जी ठीक है अलावा साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब ये वक्त ऐसा है कि बहुत से लोग संभल गए हैं बहुत से लोग खौफ ज़दा हैं बहुत से लोगों ने नमाज़ें शुरू कर दी हैं बहुत से लोग तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ चले गए हैं बहुत से लोग इस वक्त भी नहीं संभल पा रहे हैं वैसे लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी जो अभी भी नहीं संभल रहे। देखिए यहाँ पर हमें इस बात को वाज़ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक के कब्ज़ कुदरत में हर इंसान की जान है बिला शुबा उसका सबब कोई शै भी बने हर इंसान को अपने नामे आमाल का हिसाब देना है। बहुत सारे लोग इस तरह के झटकों से संभल जाते हैं और वो दोबारा से उस ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं जो अल्लाह वाहदहु ला शरीक अपने बंदों को देखना चाहता है और बहुत से ऐसे हैं जो इस तरह के झटकों के बावजूद भी संभल नहीं पाते हैं
उनके लिए उनके साथियों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक उनके इन मामलात और इन मसाइब में आसानियाँ फरमाए। और उसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, मिन हैसुल मजमू, पूरी कौम को तौबतुन नसूह की तरफ आना है, पूरी कौम को अपने गुनाह जो उनसे सरजद हो चुके उन्हें दोबारा से याद करके अल्लाह वाहदहु ला शरीक के हुजूर मुआफ़ी मांगनी है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का वास्ता देना है कि ए प्यारे रब अपने प्यारे हबीब के वास्ते से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और उसके लिए हर घर, चूँकि सब लोग अपने अपने घरों में इस वक्त मुकैद हैं, अपने घरों में मौजूद हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर पूरी ख़ानदान के अफराद इकट्ठे हों, कुरान करीम की तिलावत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए छोटी सी महफिल मिलाद करें, भले से वो किसी भी किस्म के दुरूद शरीफ पर मुश्तमिल क्यों ना हो। तो क्योंकि दुरूद भी असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद ही है, तो कुरान करीम की तिलावत और दुरूद पाक की तिलावत, ये दो ऐसे हथियार हो जाने चाहिए नमाज के साथ कि के जरिए से और नमाज की पाबंदी भी। बिल्कुल ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी थी वरना कि मैं बात सुनना चाह रही थी, बहुत सॉरी, वक्त की बहुत कमी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नाजरीन कल सेम टाइम सेम चैनल, अगर जिंदगी ने वफा की। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।